अरे भाई एक मेरे को बात बताओ, लेक्चर कितने मिनट के होते थे? हमने 40 मिनट, 50 मिनट है ना, 1 घंटा मैक्सिमम, वो क्यों होते हैं? और रखे गए ना, तो समझाने को लेक्चर है, उस दिन पूरी बुक पढ़ दे बेटा, सारे पढ़ो, आज ना 3 घंटे चल रहा है, ऐसा नहीं होता। 40 मिनट के बाद, 50 मिनट के बाद, 1-1.5 घंटे के बाद अपनी गोल फील करना स्टार्ट कर देता है, तो प्लान छोटा होना चाहिए ना। उस दिन लिस्ट नहीं लेके आते, मान लो किसी का बंदा आया, तो बंदा तो आ गया, अपलाइन आ गया, आपके पास लिस्ट ही नहीं आई, लिस्ट होनी जरूरी है ना, बताया था मैंने, उसको दिखाओगे तो बंदा जुड़ जाएगा, 500 लोग, एग्जाम्पल याद है वो, उसको दिखाओगे ना, कह दे बेटा 500 लोग की लिस्ट है, अभी जुड़ेगा तो तेरा ही फायदा है, बाद में जुड़ेगा 500 नीचे आएगा, लिस्ट दिखाओ उसको। सेमिनार ये जबरदस्त है, सेमिनार में आया बंदा, उसको दिखाया और बंदा गया, फिर अपलाइन फोन कर, तू कहा, अरे मैं तो पहुंच गया था धोलापुर मेट्रो स्टेशन, तूने मिलवाया नहीं अपने प्रश्न पे, अरे सर देख को लिया सेमिनार, क्या करेंगे आगे, दिखा के समझा दिया, सोनू सर ने समझा दिया, आगे क्या समझाना, अरे यार तो अपने अपलाइन से मिलवाओ, जो आपका अपलाइन है ना सर, ठीक है सर, जो आपका अपलाइन है उससे जरूर मिलवाना आपने, क्योंकि वो उसको कमीशन ट्रांसफर करेगा, आईडी वही उठाएगा आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्लान, फॉर्म नहीं भरते आप लोग, जैसे ही बंदे ने प्लान देखा ना यार, तुरंत फॉर्म भरो, है ना, नॉट फिलिंग फॉर्म आफ्टर प्लान, जो फॉर्म है ना यार, पहली बात ना फॉर्म कैरी करा लो हमेशा, जैसे उसने बोला कि भाई मैं सोच ही बताऊंगा, उसका फॉर्म बताए, ठीक है, क्या करना है, बैठे कुर्सी में, नाम क्या करा बता बैंक में, किस किसने देखा मैंने प्लान, ऐसे करता हूँ ना, चाहे जुड़े साल ना जुड़े, उसका मैं क्या करता हूँ, एड्रेस ले लो, वर्कर लोग उसके घर पर पहुंच जाओ, है ना, एटलीस्ट आपके पास एक एड्रेस आ जाएगा, उससे साइन करा लो, फॉर्म करा लो, उसको लगेगा कुछ हो रहा है मेरे साथ, कुछ मत बोलो उसको, बोलो भरेगा कि नहीं भरेगा, उसको क्या बोलो, नाम क्या बैंक में, डेट ऑफ बर्थ क्या है तेरी, ये क्या हो गया, अरे रुक जा, अरे तू बता तो सही, मैं तो कहते पैसे मांग रहा हूँ, फॉर्म भर दिया, साइन कर इस पे, अच्छा एक काम कर, देख फॉर्म तरह भर दिया, ठीक है, तो एक काम करते हैं, टोकन मनी से स्टार्ट कर लेते, 10,000 रुपये नहीं है ना, तो टोकन मनी स्टार्ट कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, तो फॉर्म भरोगे उसको लगेगा फॉर्मेलिटी हो रही है मेरे साथ, फॉर्मेलिटी हो रही है, और फॉर्मेलिटी होना वो जरूरी है आज के टाइम। जी सर, नहीं जबरदस्ती कुछ नहीं यार, जबरदस्ती आप क्या करो, उसका नाम एड्रेस वही पूछ रहे हो ना, वही जबरदस्ती तब होगी उसके, आप करो ना, मुझे आज ही पैसे देने, पुनः आज ही पैसे देने, हम तो छोड़ देते हैं ना बंदे को, फॉर्म भर के छोड़ देते हैं, अगर उसको लगता है जबरदस्ती कर रहे हैं, तो जाते तो जाना जरूरी है ना, तो क्लोजिंग पे आऊंगा मैं, क्लोजिंग पे आऊंगा, अभी प्लान भी चल रही है ना, देखो क्लोजिंग ही आ गया, क्लोजिंग में क्या क्या गलतियाँ करते हैं वो बताऊंगा अभी आपको, है ना, टाइम का थोड़ा शॉर्टेज है, तो अगली जो ट्रेनिंग होगी उसको थोड़ा सा अपन जल्दी आओगे ना, तो जल्दी पाओगे आप लोग, अब लेट आए तो घूम तो आप लोग, लिविंग एवरीथिंग ऑन अपलाइन, बस प्लान देने आ गए, योगेश गोयल जी मेरा काम पूरा जी, मैंने तो बुला दिया बंदा, आप देखते हैं योगेश गोयल जी चमत्कारी, योगेश गोयल जी आईडी उठा लेंगे, योगेश गोयल जी को पैसे देगा, पहली बार जिंदगी में मिल रहा हूँ योगेश गोयल जी से, आप इस दिन जाना दे दोगे 30,000 रुपए, अरे योगेश गोयल जी चमत्कारी आदमी है, जहाँ जाते हैं आईडी उठा लेंगे, भरत जी और जबरदस्त आदमी है, अरे संदीप जी को क्या बताऊं, हमें कोई पैसे नहीं देता, पैसे आपको देता है बंदा, कुछ भी छोड़ा रहो अपने अप्लाई पे, सब अपने आप करो, ठीक है, अप्लाई का काम क्या है, प्लान देना, फॉर्म तक भरवा देना, आगे आपकी चमत्कारी होती है, ठीक है सर, सारा सारा टेबल पे क्यों नहीं क्लोज करते यार बंदे को, आपने बंदे को प्रोस्पेक्टिंग करके बुलाया, बिजनेस के लिए बुलाया था या पार्टी में जाने के लिए बुलाया था, बिजनेस के लिए, बिजनेस में होती इन्वेस्टमेंट सब कुछ समझा दिया, आजकल तो ऐसा प्लान होता है कि बंदा ना ही नहीं करता, ऐसा कुछ है ना, मतलब कोई टेबल पे ना करता सुना आपने आज तक, कितने लोगों को ना मिली है टेबल पे, तो ये कितने लोग बोलते हैं कि भैया बेकार बिजनेस है, कितने लोगों को आज तक लगा, मतलब कितने लोगों ने सुनी आज तक अपने प्रोस्पेक्ट से, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, है ना, और आई कैन बेट यू जितने लोगों ने सुनी है ना, उनको बुलाया बड़े बैगिंग मोड से गया होगा, बड़े बैगिंग मोड, ठीक है सर, उसमें गलती है ना, एक गलती से दूसरी गलती की गलती है, ठीक है, बैकिंग मोड से बुलाएगा होगा, या कहीं ना कि वो आपका हॉट कॉन्टेक्ट नहीं रहा होगा, सीसी था ना, कोल्ड कॉन्टेक्ट था ना, वैसे ही रहा होगा, टेबल पे क्लोज करो यार, आपके अप्लाई ने 5 घंटे दिए हैं, आपके अप्लाई ने 5 घंटे दिए हैं उस बंदे के ऊपर, क्या आपके फर्ज नहीं बनता कि उसको साइड वाली टेबल पे ले जाके एक 25 मिनट और लगा दो उसके ऊपर, गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं भाई, आपके अपलाइन ने तो कर दिया जितना काम करना था, उसके बाद तो यार पैसे तो आपको ही देगा ना वो, तो आपका फर्ज बनना चाहिए, 5 घंटे से लगाए मैं 25, उसको 25 मिनट जरूर दूंगा, आधा घंटा, जब पैसे की बात आती है तो अपने को शर्म आती है, कोई प्लान हो गया लेकिन पैसे नहीं मांगूंगा सर, मेरे को शर्म आती है, पैसे तो खुद ने दे दिए तो ठीक है, नहीं तो मांगूंगा नहीं, मैं क्यों मांगू, है ना, अब उसका रीजन पता है क्या है,
जाके अपने ड्रीम्स देख लेना, आपको पैसे मांगने का रीजन पता लग जाएगा क्यों मांगने आपने। और दूसरा उससे उसके ड्रीम पूछ लो, जो कि उसके बिजनेस उसकी जॉब से कभी पूरे होने नहीं वाले, तो उसको 30,000 रुपए तो लगाने पड़ेंगे। तो शायद क्यों फील करते हो आप लोग, शायद ही फील करना यार, क्योंकि मैं एक बात बता दूं आपको, सक्सेस का प्रिंसिपल है, जो आदमी शर्माता है ना वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर पाता। आप किसी भी एक सक्सेसफुल आदमी का आई कैन बेट यू चैलेंज है, आप किसी भी एक शायद आदमी का बता दो जो सक्सेसफुल हो। शाहरुख खान जो डायलॉग डिलीवरी करता है वो शर्माता हो तो डायलॉग डिलीवरी दे पाए हो 1,000 लोगों में? अगर मैं शायद फील करता हूँ तो आज आपको समझा पाता क्या? सामने यार आपके सब कुछ ठीक है सर। नेक्स्ट, हाँ वो मैंने बता दिया है ना, जैसे क्लोजिंग हुई तो अगले दिन उसको ना आपको 11 बजे पहले, ये नहीं समझा सॉरी, प्लान हो गया, बंदे ने पैसे नहीं दिए, सर आपकी वाली बात ठीक है, उसने पैसे नहीं दिए टेबल पे ना, टेबल पे नहीं दिए, आपने पूरा जोर लगाया कोई दिक्कत नहीं है, उसको सुबह सुबह 11 बजे कॉल जरूर कर लेगा, 11 बजने से पहले या 11:15 बजे तक पक्का। रीजन क्या है? फिर वो भूलना स्टार्ट कर देगा धीरे धीरे, भूलना स्टार्ट। सुल्तान भी किसी ने देखी है? सुल्तान मूवी ना, उसमें एक हीरोइन है, उसका नाम क्या था मूवी में? देखो अनुष्का था ना, आर पार करने लगती था वो। अच्छा वो जो उसमें पहलवान था जो मोटा सा करता, उसका नाम क्या था भूल गए ना, लेकिन नाम तो था उसका कुछ ना कुछ, पवन उनको जाना ना, तो पहलवान से लगता आप इसलिए आदमी जो पसंद था वही देखता है, इनको अनुष्का पसंद थी, आर पार पसंद नहीं आई है ना। तो देखो यार वो आदमी ना भूलना स्टार्ट कर देगा, और नहीं पूछा ना आपने 11 बजे से पहले उससे क्लोजिंग नहीं करी कि और बता मेरे को सबसे अच्छा क्या लगा, पैसे कैसे देगा, वैसे डायलॉग जो क्लोजिंग में आप सुनते हो, अगर आपने सुबह 11 बजे कॉल नहीं करा तो वो किसी और से पक्का बात करा, क्योंकि लंच होने वाला उसके ऑफिस में, तो ऑफिस में जाएगा और उसको जब चिंतित सा होगा ना तो उससे आसपास वाले पक्का पूछेंगे, अरे कल तू गया था कुछ इधर उधर का कुछ देखने वगैरह, तो पूछेगा तो ड्रामा श्रामा चालू हो जाएगा उसका ना, फिर वो नेगेटिव फिर आपको फोन उठाएगा, फिर आप उसे घर भी जाओगे ना सर, है सर फिर घर भी जाओ, फिर वो कुछ नहीं करेगा, फिर वो जबरदस्ती हो रही है उसको सुबह 11 बजे शुरू कॉल करते हैं ठीक है 11 बजे। नॉट क्लोज विद इन 24 to 48 hours आफ्टर प्लान, कईयों के साथ हुआ, मेरे साथ भी हुआ कि गौरव भाटी जी ने प्लान दिया और मैं उससे आदमी से प्लान देते ही मतलब देने के बाद करीब 4-5 दिन तक बात ही नहीं करी मैंने, मैं सोच रहा हूँ उसका कॉल आएगा क्योंकि वो चीज अच्छी लगी, लेकिन क्या आएगा आपको लगता है, कितना लगता है उसका खुद का कॉल आएगा मेरे को ज्वाइन करना है, इसको नहीं लगता ना यार किसी का भी नहीं आएगा भाई, 2.5 साल से हमारे पास तो आया नहीं किसी का कि मेरे को ज्वाइन करना है। हमारे नॉमिनी जिंदा है, यही देख रहा था मैं, साला छोटी छोटी चीजों में कितने परेशान हो जाते हैं आप लोग ना, और उसको कहा गया अरे अभी नहीं आया, आता था ना एकदम जब वो आता है ना तो सब भाग जाते, पूरा हिलने लग जाता है, आप चले जाओ मेरे को जिंदगी प्यारी नहीं है, इंडिया में वैसे भी नहीं आ सकता, पापी लोग नहीं मर सकते, हम पापी लोग हैं, अच्छे आदमी मरते हैं, अरे नितिन जी हाँ, अरे छोटी मोटी चीजों से ना डरा मत करो यार, छोटी मोटी चीजों से आप यार उसको भी देखो ना जो मर्चेंट नेवी वगैरह में, नेवी में तो सैनिक स्कूल से मैं रिलेट कर पाता हूँ, वो आदमी इतने पानी झाल में गया हुआ है उसको क्या डर है, वो डरता नहीं इसलिए वो आज अपन उसको सैल्यूट करते हैं, है ना सर अतुल जी, है ना कर लो सर, मैं तो कह रहा था कहाँ करनी चाहिए प्रिकॉशन आर ऑलवेज बेटर, मैं कह रहा हूँ सर देखो अगर आपको सबको जान पहली होती तो भाग जाते ना, आपको प्यारी ट्रेनिंग इसका मतलब बैठे हो रहा हूँ अच्छी बात है, उसको फिर फोन कर रहे हो अगले दिन क्लोजिंग के लिए, उससे मिलो, क्लोजिंग फोन पे नहीं होती भैया कभी, अगर आपको लगता है कि नहीं होगी तो मिल लो ना जाके यार, राजेश जी कहाँ है राजेश जी, ये कांटी आते हैं राजेश जी मैं बता दूं आपको, ये भगवान कसम सुबह कितने बजे 6:30 बजे बंदे को बुलाया था आपने ग्रेटर नोएडा से, फरीदाबाद प्लान दिखाया पहले दिन, अगले दिन सुबह 6:30 बजे जिसका प्लान हुआ था उस बंदे को बुलाया, खुद भी 6:30 बजे बंदे घर में पहुंच गए और ट्राइपॉड उठा लाए खैर फोन पे करते लोग फोन नहीं उठाता है ना, तो बहुत सारे ड्रामे होते हैं ना, तो फोन पे क्लोजिंग मत करो, अगर आस पास रहता है तो मिल लो उससे जाके, है ना मिलने से क्लोजिंग हो जाती है ठीक है। नेक्स्ट, कभी उसको विजन नहीं बताते अपना ना, हाँ जी सर
वो कब बात करता, प्लान के बाद में, प्लान होने के बाद मतलब मुझे वो उसको समझा दिया, नेटवर्क मार्केटिंग समझा दिया तब बात करता है। प्लान करने के बाद पूछता है ना, कितने बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मत करो उससे मिल लो जाके, ठीक है, उससे मिल लो, उससे मिलोगे ना, मैं कसम से बोलता हूँ, आप बात नहीं करोगे ना, खुद बात करेगा। आप पता क्या करो, क्या कुछ मत करो, थोड़े कलाकार बनो, कैसे, उसके पास गए, अरे यार आप थोड़ा काम होता है, किससे मिल रहा हूँ, जीएम से मिल रहा हूँ, उसका खुद का फोन आना चाहता है ना, अगर नहीं तो औकात नहीं बढ़िया, कुछ ऐसी वैसी कलाकारी करना चाहते हो, मत तो कर, हाँ बस बिल्कुल सेल्फ विजन बताना जरूरी है आप लोगों को। मेरा वो दोस्त आज भी जिंदा है ना जो कह रहा हूँ सर में दर्द है, ऐसे लोग चाहिए सर, ऐसे लोग चाहिए हमें, वो आपके साथ ही, वो सबके साथ है, मैं बताऊँ सर आपको, सोनू सर के साथ क्या सारे जुड़ जाते होंगे, नहीं, हर एक को नेगेटिविटी मिलती है ना, एक अच्छे डॉक्टर के भी सारे ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होते हैं, ठीक है, कई क्लियर भी चाहिए आपको ना, सारे नहीं जुड़ते, लेकिन मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ जिससे 100% नहीं आएगा आपको रिजल्ट, आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, ये गलतियां बता रहा हूँ सर मैं आपको, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि इससे रिजल्ट 100% आएगा, मैंने बोला, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मैंने गलतियां करता था, गलतियां जो नहीं करनी आपने, ये वो गलतियां अवॉइड कर लो यार, मिल लो ना जाके, ज्यादा ज्यादा क्या होगा, ना करेगा, अब मेरे को बोलो ना, आप बोलो मेरे से ना, बोलो नो, मेरे कुछ हुआ, अब वो आप उससे मिलने गए, उसने बोला ना मेरे को नहीं करना, क्या दिक्कत है, मजे करो ना भाई, नहीं है ना, देखो ताश की गड्डी कितने की होती है, पत्ते 52 होते ना, आपने एक पत्ता निकाला, इक्का नहीं निकला तो खुश हो, दुख होने बजाय ना, रीजन के अभी पता कितने पत्ते रह गए, 51 ही रह गए ना, 51 पक्का पत्ता है, इक्का पक्का है ना, तो अपने पास 500 की लिस्ट, एक नहीं जुड़ा पक्का, 499 तो अपना क्राउन एम्बेसडर बैठा भैया, तो आपकी 500 की लिस्ट में सोनू शर्मा जी, गौरव भाटी जरूर बैठे हैं, ढूंढना पड़ेगा यार, नहीं जुड़ रहा मत जुड़ो, जो जुड़ रहा है उसको जोड़ो, ठीक है सर, तो ज्यादा मैं प्रोबेबिलिटी बता रहा हूँ, इससे आपकी सक्सेस बढ़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट, नॉट टेलिंग व्हाई यू शुड स्टार्ट विद यू, अपना विजन विजन कुछ नहीं बता रहे हो, कुछ नहीं बता रहे क्यों जुड़ना आपके साथ ना, वो सब बताना है कि देख तू मेरे साथ जुड़ेगा, मेरे ड्रीम पूरे हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तेरा भी हो जाएगा ना, उसको बताओगे तेरे साथ, मेरे साथ तू जुड़ दो है ना, नेक्स्ट रिलेट हो जाएंगे। नॉट ट्रांसफरिंग कमीशन, उसको कमीशन नहीं दे पा रहे आप बिजनेस का है ना, उसको कमीशन नहीं दे पा रहे बिजनेस का, कैसा बिजनेस है, उसको विजन नहीं दे पा रहे आप बिजनेस का। नेक्स्ट, ये जरूरी है कि देख अगर तूने जैसा मैंने बोला तूने वैसा काम किया ना, और अगर तेरे को 3 महीने में तेरे पैसे वापस ना हुए जैसा मैंने बोला, ये जरूर बोलना है, तो तू पैसे मेरे से ले लियो 3 महीने में। अगर आपने ये बोला कि तू 3 महीने काम कर ले है ना, तेरे को पैसे ना आए मेरे से ले लियो, या दूसरा बोला कि 3 महीने बाद तेरे पैसे ना आए तो मेरे से ले लियो, तो गलत है। आपने क्या बोला, जैसा मैं बोलूं अगर तूने वैसा किया और तेरे 3 महीने पैसे वापस ना आए तो मेरे से ले लियो, ये बोलना आपने डायलॉग है ना। लिमिटेड गारंटी जरूर देनी है, एप्पल का फोन लोग खरीदते सबसे महंगा, कुछ नहीं होता, ब्लूटूथ भी कनेक्ट नहीं होता, क्यों, गारंटी है फोन की है ना, तो गारंटी जिस चीज की होती है ना। एक्टिविटी सेमिनार ट्रेनिंग प्लीज पढ़िए है ना, आइए उसको पढ़िए सर, उसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि सब कुछ नहीं समझा सकते जैसे मैं जल्दी जल्दी समझा रहा हूँ, लेकिन बुक्स आपके साथ ही होती है हमेशा ना, मैं आपके साथ नहीं रह सकता हमेशा हर टाइम, तो बुक्स आप पढ़ सकते हो। अपने अपलाइन और डाउनलाइन को डेली कॉल करना सर आपने, ठीक है सर, ये मैं दे दूंगा आपको स्लाइड्स है ना, ये मैं दे दूंगा आप लोगों को स्लाइड्स, लेकिन अभी खाली इनको समझ लो, क्योंकि लिखने में आप टाइम जाया कर रहे हो। अपने अपलाइन डाउनलाइन को डेली कॉल करना ना, अंगीठी में रहोगे, अंगीठी में काले कोयले नहीं होगा जी थोड़ा। पासिंग नेगेटिव डाउनलाइन या क्रॉसलाइन है ना, मतलब नेगेटिव उसी बात आती है जो आपसे जुड़ा हुआ उसी को बता देते हो, मतलब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो, वो भी नेगेटिव, तो आपको काम कौन करेगा आपके साथ है ना, अपलाइन को बता दो सारी नेगेटिविटी। नॉट डूइंग एज ए पार्ट टाइम, कभी नहीं करते पार्ट टाइम में, कितने लोग करते हैं इसको डेली 2 घंटा, बहुत बढ़िया सर, आप तो लोगों को पैसा वैसा तो आ रहा होगा ना, आ रहा है ना, तो पार्ट टाइम पे कर रहे हैं, जो नहीं आ रहे हो जो नहीं कर रहे उनको नहीं आ रहा, इसको करना चालू करो सर पार्ट टाइम है ना, आप पार्ट टाइम स्पेयर टाइम या नो टाइम मत करो इसको प्लीज है ना। नॉट स्पॉन्सरिंग वन डिस्ट्रीब्यूटर एवरी वीक, जब आपका बिजनेस नीचे जाए ना यार, या आपको नेगेटिविटी लगने लग जाए या आपको लगे कि कुछ नहीं होगा, कुछ मत करो, एक नया बंदा स्पॉन्सर कर दो, क्या कर दो, एक नया बंदा स्पॉन्सर कर दो भाई, एक माँ बाप के 4 बेटे हैं है ना, एक पढ़ लिख के हो गया लेकिन वो कुछ मतलब पढ़ा लिखा लेकिन कुछ बन नहीं पाया, तो दूसरे को क्या करते हो, दूसरे को पढ़ाते लिखाते हैं ना, ये तो कुछ करेगा, वो भी नहीं कर पाया, तीसरे को पढ़ाते लिखाते ये तो कुछ करेगा, वो कर लेता है, तो अगर आपको लगने लग जाता है कुछ नहीं होगा तो एक नया बंदा स्पॉन्सर कर दो बस, ठीक है सर, सारी सारी चीजें, ईगो एज अ प्लान, मैं तो अपलाइन हूँ, एम्प्लॉई हूँ मेरा,
कई बार डाउनलाइन के लिए ऐसा हो जाता है, मैं तो ऑफलाइन हूँ, है ना, मैं तो ऑफलाइन हूँ, ऑफलाइन की वो हटा दो यार अपने अंदर से। आपको लगता है यार धोनी जब क्रिकेट मैदान में उतरता होगा तो उसको बड़ा बर्डन फील होता होगा, ऐसा लगता है? कितने लोगों को लगता है ऐसा? या अमिताभ बच्चन जब एक्टिंग करता होगा उसको बर्डन फील होता होगा? कितने लोगों को लगता है ऐसा? नहीं लगता ना। जितने भी सारे लोग सक्सेसफुल है ना, हर बंदा जिस प्रोफेशन में सक्सेसफुल है वो उसको ना सर पैशन के साथ करता है, पैशन के साथ, इसलिए आज वो सक्सेसफुल है। आप लोग क्या करते हो? यार शाम को फिर मिलने जाना चाहता, पूरे दिन तू ऑफिस में ऐसे ऐसी करा ली, शाम को फिर उधर जाके ज्ञान लू, तू ये नहीं कर रहा, तू वो नहीं कर रहा, पैशन नहीं है ना यार आप लोगों में। पैशन लेके आओ ना अपने अंदर, जॉब की तरह मत करो इसको, इट इज नॉट योर जॉब। जॉब में होते तो अब तक तो आप कमा रहे होते। अगर मैं आपकी तनख्वाह 35,000 रुपए रख दूं या 70,000 रुपए रख दूं ना, और आपको बोलूं कि आपने 10 ID महीने ही उठानी है, नहीं तो तनख्वाह नहीं आएगी, भगवान कसम आप 10 ID उठानी कहां से प्रकट करोगे? आप उठा लो क्योंकि तनख्वाह है ना। जॉब की तरह मत करो यार, इट इज नॉट अ जॉब, इट इज अ बिजनेस, है ना। नेक्स्ट सर, अच्छा, नॉट डूइंग एडिफिकेशन ऑफ एवरी इवेंट। आप किसी भी इवेंट की एडिफिकेशन नहीं करते हो, ट्रेनिंग में आ जाइयो, सेमिनार में आ जाइयो, अपने डाउनलाइन को बुलाते टाइम या उनको बोलो कि सब कुछ लोग जुड़े हुए हैं, प्लीज एडिफाई करके इवेंट को लेके आइए अपने लोगों को। कि अगर आज कुछ लोग आपकी टीम से बैठे हुए होते, जिसमें भी लोगों की टीम अच्छी खासी है, अगर 4-5 लोग होते तो आपका बिजनेस उठता ही उठता, ठीक है सर। नेक्स्ट, आपको वीकली प्लान करना पड़ेगा, जो मैंने बताया था ना कि पूरा वीक पूरा प्लान। मेरे पास अभी डायरी है, मैं वीकली जिसने देखी हुई है, मेरा पूरा डेट के साथ ये रहता है कि इतने बजे मीटिंग, इससे पूरा वीक प्लान कीजिए। ये कॉम्प्लिकेट कर दिया आपने नेक्स्ट को, बड़ी मुश्किल है, होती नहीं है, बड़ी इजी, खुद ही कॉम्प्लिकेट कर दिया आप लोगों ने, है ना। देखो अगर एक कॉम्प्लिकेट का एग्जांपल देता हूँ आपको, एक साबुन बनाने की ना, मान लो फैक्ट्री से शिकायतें आने लगी कि आपकी जो साबुन की वो डिबिया है उनमें साबुन नहीं होते, तो बड़ी वो हुआ, है ना, कितनी आसान सी चीज है ना, साबुन नहीं है ना उसमें, तो उसको रेक्टिफाई करना है कंपनी को। तो उन्होंने करा क्या, मीटिंग बुलाई, स्कैनर लगवाया, 2 आदमी बिठाए, स्कैन होता है, जिस डब्बे में साबुन नहीं आया तो कॉम्प्लिकेट करते हैं चीजों को ना, उसको उठाया और डब्बे को अलग कर दिया, 2 लोग बैठे हैं, स्कैनर मंगाया करोड़ों का, बहुत सारी चीजें होंगी, बस इतना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो एक बार हुआ क्या, स्कैनर मशीन ना खराब हो गई, अब करें तो क्या करें भैया, हमें तो सारे सारे डब्बे वाले साबुन चाहिए, अब होएगा क्या, अब स्कैनर मशीन खराब है तो खाली वाले फिर जाने चालू हो जाएंगे, भाई फिर हम कैसे छाटेंगे। तो ऐसे ही बात हो रही थी, सब कुछ शटडाउन हो गया, तो ऐसे ही लोग बड़े परेशान बैठे थे, जो हाईटेक आदमी था, हाईटेक सो कॉल्ड हाईली प्रोफेशनल आदमी, वो टेंशन होते थे। वैसे जेनिटर वाला होता है, चाय वाय पकड़ाने वाला होता है, वो पूछने लगा क्या होगा भाई, ऐसे सारे कैसे चिंतित हो, कह रहे ऐसे ऐसे साबुन की डब्बी उब्बी में ऐसे साबुन नहीं है, कैसे पता लगाए, वो सारी मशीन खराब हो गई। तो उधर कुछ नहीं करा उसने, करा के जो फराटा था ना, पंखा उसने पंखा लगाया, और ऐसे जो कन्वेयर आ रहा था उसके सामने लगाया, और जितनी खाली डब्बियां टूटने लगती, है ना, कितनी आसान चीज थी, क्योंकि वो एक सिंपल बना के कर रहा था उस चीज को, हम क्या बंदे ने कॉम्प्लिकेट। तो आप क्या स्कैनर मशीन लगा दिया, आपने 2 बंदे बिठा दिए, कर दिया, सब कर दिया नेक्स्ट में, ये है बड़ी इजी, एवरी सिंपल थिंग इज नॉट इजी बट इट्स वेरी सिंपल, आप करोगे तो। अभी समझ में नहीं आए हुए ये सेंटेंस, ऊपर से गया हुआ है तो, बट इसको इजी बना के करो ना यार, बड़ा इजी है, इजी समझोगे तो इजी होएगा, ठीक है सर। नॉट इन्वॉल्विंग फैमिली, है ना, फैमिली को आप इन्वॉल्व नहीं करते, छुप के करते हो, चोरी कर रहे हो, क्या कर रहे हो ना सही। कई लोग हैं यार जो फैमिली वैमिली को नहीं बताते यार, फैमिली को बता दो आप, 1-2 महीने बाद पैसा बताना स्टार्ट हो जाए तो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको स्टार्टिंग में डर लग रहा है कि घर वाले ऐसे करेंगे तो 1-2 महीने बाद बता दो। रीजन ये कि आप 1 महीना लेट जा सकते थोड़ा सा, लेकिन अगले महीने पूछेंगे जरूर कर क्या रहा है आज के टाइम पे, कुछ गलत सोचेंगे, इससे अच्छा तो यार आप उनको सेमिनार में ले आओ ना, सेमिनार में उनका अपने आप भी चला जाए, कुछ बढ़िया काम कर रहा है, दारू वारू नहीं पी रहा, कम से कम कहीं ना कहीं जाके अपने ड्रीम्स के बारे में सोच रहा है, बंदा सीरियस है ना, इज्जत बढ़ जाएगी। सोशल वेबसाइट प्रोफाइल्स नॉट चेंज, जैसे थे वैसे ही है। मैंने अब मेरा फेसबुक का देखना, आ जाके संदीप नरवाल से सर्च कर लेना, मेरे आज से 3 साल पहले की पोस्ट फोटोज वगैरह देख लेना और आज के देख लेना, टोटली चेंज। इसीलिए लोग खुद पूछते हैं, वो योना अगर से बंदा मेरे फेसबुक का प्रोफाइल देख के आया था कि हो क्या रहा है, अभी दुबई से कॉल आ रहा था, मैं बैठा था यहाँ से +344, वो कौन है, मेरा एक फ्रेंड गया दुबई, तो उसका कॉल आ रहा था और पूछ भी रहा था, भाई तू क्या कर रहा, तूने भी डाला 3 घंटे रह गए बस ट्रेनिंग के, क्या ये जिंदगी चेंज हो जाएगी, ड्रीम क्या ही है ना, तो चेंज करो अपने आपको। सेमिनार में जाओ, सेल्फी लो, इतने लोगों के साथ लिख दो, प्लानिंग समथिंग बिग विद 2-2.5 हज़ार, तो लोग पूछेंगे ना क्या प्लान कर रहा भाई तू, ऐसा तो कुछ इनडायरेक्ट परस्पेक्टिव हो रही है ना, जरूरी है सबके पास जाना कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, अरे खुद ही पूछ रहे हैं लोग ये क्या करने लग गया, तो इतने सारे लोग कहाँ से आ गए, खुद ही पूछ लेंगे क्यों सर, इजी है ना, बस ये गलतियां मत करना। बिजनेसमैन की तरह नहीं आते हो,
एक बिजनेसमैन को देखना कैसे आता है, वो अच्छे तरीके से आता है ना। आप देख लेना, आप जब घर से बाहर निकलो ना, मैं आपको एक अच्छा तरीका बताता हूँ कैसे करता हूँ मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ ना, तो मैं ये देखता हूँ अगर मेरी जगह पे सोनू शर्मा जी होते हैं तो क्या वो ऐसे कपड़े पहन के बाहर निकलते हैं। बस मेरे को सब पता लग जाता है कि ये पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, बस एज सिंपल एज दैट। ठीक है सर, पांच प्लान आप दिखाते नहीं अपने खुद के, खुद के क्यों? चार लोग जुड़ गए वही काम करेंगे, क्यों करेंगे? देखो सच और चिन्ह सारे क्या करेंगे, तो मैं बोलूंगा वही कर रहा ना, सच और चिन्ह है ना, टच योर आइज। मतलब कई लोग कान पकड़े बैठे हैं, कई पता क्या है, जो मैं कर रहा हूं तुम आप बोलोगे ना वही कर रहे हो। आप क्या करते हो, खुद प्लान दिखाते नहीं हो, और नीचे वाले बोलो तू प्लान दिखा, तो वो क्या करेगा, वो भी आपकी तरह करेगा जो आप कर रहे हो, तो आप नहीं कर रहे तो वो भी नहीं करेगा, समझ रहे हो आप? तो खुद करो, लोग अपने आप करेंगे। ठीक है सर, ओके। नॉट इंट्रोड्यूसिंग विद अप्लाइंस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, मतलब आपका नया बंदा जुड़ा सेमिनार में ना, सारे अप्लाइंस मिलवा दो, सर ये बंदा है, सर ये बंदा है, सर ये बंदा है, ये भी जुड़ा हमारे साथ, ये जुड़ा है, तो अपने जितने अप्लाइंस मिलवाओगे ना, अप्लाइंस के अचीवमेंट देखिए आपको खुद ही कन्विक्शन आ जाएगा, आपको बता देंगे रोटरी के ये है ये इतना बड़ा। ठीक है सर, नेक्स्ट सर, थोड़ा जल्दी जल्दी ना, लेट हो रहे हैं भाई, हो तो क्या सर, हो गया लेट कमिंग टू सेमिनार्स एंड लीविंग अर्ली है ना, 11 बजे आते हैं 1:30 बजे गायब। अच्छा फिर एक फोटो लेकर डाल देंगे, सर मैं आया था ये प्रूफ भी है ना, मैं आया था सेमिनार में। यार पहले आओ और लेट जाओ, एक सीधा सा रूल है, पहले आओ और लेट जाओ। ठीक है जी, बीच में आओगे तो कुछ नहीं होने वाला आपको। Not coming to seminars when no prospect is coming. Sir, मेरा बंदा ही यार, मैं नहीं आऊंगा। ऐसे ही होता है ना, कई लोग बोलते भी हैं, सर मेरे बंदे चार आने वाले थे, कोई नहीं आ रहा, मैं नहीं आऊंगा या मैं नहीं आऊंगी, होता है। अगर आपका बंदा नहीं आ रहा ना यार, आपको आना है। मैं पहले महीने, दूसरे महीने सॉरी, जो काम करना चल गया उसको पहला महीना बोलता हूँ, तो दूसरे महीने में क्या, मेरे साथ कोई नहीं जाता था, मैं सूट टाई वाई पहन के आराम से जाता था, नहीं आ रहा कोई, क्या दिक्कत है यार, आज नहीं आया, कल नहीं आया, परसों तो आएगा, लोग तो देख रहे हैं ना, हम लोग को भगवान देख रहा है ना यार, एमएलएम का भगवान देख रहा है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट प्रायोरिटी कर लो सर इस बिजनेस की, चूज योर प्रायोरिटी, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी आप भविष्य बनाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके सपने पूरे हो जाएंगे जो कर रहे हो उससे ही, है ना, मेरी प्रायोरिटी थी यार, मेरे चाहे यूरिन बैग लगा हुआ था, मेरी प्रायोरिटी सेमिनार में आना, तो आई केम, दैट्स व्हाई आई एम स्टैंडिंग हियर। ठीक है, मैं नहीं आता तो प्रायोरिटी है ना, सेट योर प्रायोरिटी, अभी नहीं है तो मैं नहीं, तो बहुत सारी चीजें बताने के लिए टाइम, आप लेट लेट आए हो इसलिए आप भूल रहे हो सारी चीजें। ऑलवेज कंप्लेनिंग टीम नॉट वर्किंग, चाहे चार लोग जुड़े हो, कहते सर टीम काम नहीं कर रही, कितने लोग भाई चार, होता है, होता है कि नहीं होता यार, नए नए लोग जो आते हैं और एक दूसरे जुड़ जाते हैं जो उनके साथ, और फिर वो क्या कहते हैं, सर टीम काम नहीं कर रही, सर टीम काम नहीं कर रही, सर कोई काम नहीं कर रहा, सर मैं तो कर रहा था, मैं तो जुड़े सर चार लोग, उन सारों को काम नहीं कर रहा। यार देखो मैं बताता हूँ, आपको नहीं पता कौन काम करेगा कौन नहीं काम करेगा, आपको जब तक काम करना है, जब तक आपको कोई गौरव भाटिया जी या त्रिवेश कुमार जी या सोनू शर्मा जी नहीं मिल जाते, आपको तब तक काम करता ही रहना है। मैं आज भी कर रहा हूँ, मैं आज भी सोनू शर्मा जी ढूंढ रहा हूँ, मैं आज भी चार लोग स्पॉन्सर किए ना पिछले चार दिन में, मैं आज भी कर रहा हूँ यार। ठीक है सर, नो वर्क ऑन सेल्फ डेवलपमेंट, कुछ भी नहीं करते भाई साहब, जैसे थे वैसे ही है और वैसे ही रहेंगे, हम नहीं बदलेंगे, क्यों बदले, मत बदलो, अकाउंट बैलेंस भी नहीं बदलेगा आपका। वर्किंग इन कम्फर्ट जोन, अगर कोई आदमी गुड़गांव जो करता है, गुड़गांव में रहता है, मां गुड़गांव से बाहर निकल जाए तो गुड़गांव से बाहर रहते भाई साहब उसे हाईजैक करके जाएगा है ना, और उसको आईएसआई में भेज दिया जाएगा, उसे बंदूक चलवाई जाएंगी। यार आप कम्फर्ट जोन छोड़ोगे ना, हर जगह सब कुछ हो सकता है। पानीपत भी आता हूँ ना यार, मैं पानीपत भी जाता हूँ यार, प्लान दे, तो होता है सर, कम्फर्ट जोन छोड़ना पड़ता है ना, क्योंकि जो भी आपको चाहिए ना, ये बहुत जरूरी लाइन, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो भी आपको चाहिए ना, चाहिए जो भी सपने आपके, वो सारे आपके कंफर्ट जोन के बाहर है। कंफर्ट जोन में कुछ नहीं मिलता, कंफर्ट जोन में सिर्फ एक चीज मिलती है, पता क्या, कुछ नहीं। नॉट हैविंग वीकली टारगेट, इस वीक का टारगेट क्या है नहीं बताऊंगा, किसी को पता है? गोल्ड जाना है, सिल्वर बनना है, देखो ये बन जाएंगे, मैं बता दूंगा, आप इनके मैसेज आ जाएंगे, आप लोगों का क्या टारगेट है यार। ठीक है सर, तो वीकली टारगेट रखें, टारगेट नहीं रखोगे तो होगा नहीं। आपका ऑफिस में आप अच्छा काम पता है क्यों कर पाते हो, सुबह आते ही आपका बॉस ना आपको बताया तुम्हें आज ये काम करना है, इसलिए आप वो कर लेते हो, अगर आपका आपको बॉस ना बताए ये काम कर रहे हो तो आप नहीं करोगे। तो ऑलवेज यू शुड हैव योर टारगेट, क्योंकि यहाँ पे कोई बॉस नहीं है। नॉट फोकसिंग ऑन लीडरशिप बोनस, नहीं करते हो आप, इसमें फोकस करोगे ना। नेक्स्ट,
नॉट मेकिंग सेम नॉट प्रोडक्टिव। कसम से कई लोग आते हैं, मैं देखता हूँ आते हैं, वो चार पांच बातें करेंगे एक दूसरे से, हंसी ठल्ला करेंगे, इधर उधर देखेंगे, चार ताले बजाएंगे, चले जाएंगे। क्यों आया पता नहीं, क्यों गया पता नहीं। प्रोडक्टिव सर सेमिनार क्यों है, आप अपने प्रोस्पेक्ट को लेके आओ, उसको प्रोडक्टिव बनाओ, आपका बंदा जुड़े, ठीक है सर, तो उसको प्रोडक्टिव बनाओ, है ना। ऐसे चिट चैट अगर कोई बंदा नहीं भी आया ना, तो यार आप बिजनेस की बातें डिस्कस करो ना यार, प्रोडक्टिव बनाओ अपने आप को, है ना, उस टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ, क्योंकि वो चार पांच घंटे आप अपनी फैमिली को भी दे सकते थे, उससे ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकता था वो काम, ठीक है सर। फेस मीटिंग्स नॉट डन बीजी, जितने भी लीडर्स हैं प्लीज फेस मीटिंग कही यार, है ना, अभी टीम को भी एजुकेट कीजिए व्हाट इज फेस मीटिंग, ये आपको समझ नहीं आएगा अभी, ये जो लोग कर रहे हैं उनको समझ आ रहा होगा। नेक्स्ट, अरे कौन लोग ऐसा बनना चाह रहे हैं है? आप मुझे कर सकते हो यार, यही वो आदमी है जिनकी वजह से आज हम सारे लोग एक साथ हैं, है ना, यही वो आदमी है। मात्र 11 साल पहले इन्होंने स्टार्ट किया था, जिस दिन हम फाइनल जा रहे हैं उस दिन इनको 11 साल हो जाएंगे, उस दिन इनको, है ना। ये इनका घर है फरीदाबाद में, किन किन को दिखा रहा हूँ, मरबा जाकर फरीदाबाद दिखा के लाता हूँ, इन सब ने देखा हुआ है, ये घर है सर। इस घर के अंदर ये जितनी भी है ना, अगर इनका शीशा टूटेगा ना तो पुलिस स्टेशन में वो चला जाता वायरलेस, इस घर में चोरी होने के हुए। इस घर के ऊपर एक ट्रेनिंग हॉल है, गार्डन है, स्विमिंग पूल है, है ना, और लगभग इस घर को बनने में 14 करोड़ रुपए लगे हैं, जो कि सिर्फ नेसेस के लगे हैं। दूसरी, ये ई क्लास है, सी क्लास इनके पास है ऑलरेडी, है ना, उससे सिविक है, होंडा सिटी है, कभी आदमी सेकेंड हैंड स्कूटर पे था, और आज क्या है, महीने का 20-25 लाख रुपए आता है टैक्स काट के, कितना ईजी है ना, कितने लोग हैं 20-25 लाख रुपए पैकेज, ठीक है सर, हो सकता है आपके साथ। नेक्स्ट देखो क्या मजे कर रहे हैं, ये अभी की फोटो है, है ना सर, ये थाईलैंड देखो क्या मजे कर रहे हैं ना यार, पैसा कोई भी कमा सकता है, लेकिन ये जो इज्जत है ना यार, ये बहुत कम लोग कमाते हैं, है ना, आप लोग जानते हो कई करोड़पति भी हैं, लेकिन ऐसे नहीं मिलता हुआ प्यार, ना क्या आदमी है ना ये राजपाल जी, है ना। नेक्स्ट, 12,000 रुपए की नौकरी करते थे यार, कभी अभी 2 C क्लास, अभी ई क्लास ले ली है, 30 तारीख को उसका सेलिब्रेशन है, ई क्लास मर्सिडीज ले ली इन्होंने, ठीक है। राजपाल सिंह जी 12,000 रुपए की नौकरी, आज भाई दो सी क्लास मर्सिडीज और ई क्लास के ओनर हैं, ठीक है सर। सुरेश कुमार जी, उम्र 25 साल, पैसा 14 करोड़, बिजनेस में हो गए 7 साल, ठीक है सर, मात्र 7 साल, और पहले मर्सिडीज थी, अभी Q7 चला रहे हैं, और अभी जल्दी आपको अच्छी न्यूज मिलने वाली है, कुछ जैगुआर टाइप आइटम, ठीक है सर, तो मिल जाएगी आपको अगले 6 महीने में। ये कर सकते तो हम भी कर सकते हैं ना। नेक्स्ट आदमी दिखाएंगे, हमारे सबके गुरु, हमारे सबके प्रभु, हमारे सबके भगवान है ये मिस्टर गौरव भाटिया जी, इन्होंने हमें फंसाया और हमें लखपति बनाया ना, खुद भी करोड़पति बनेंगे और हम भी बनेंगे इनके साथ ना यार, ये हम लोग कर सकते हैं तो कर सकते हैं हम लोग ना यार, है ना यार। नेक्स्ट, भगवान आपको